हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉन्गटेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, जो कि मुझे अब वापस मिल गया है पुलिस के थ्रू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे कितने रुपए खर्च हुए, मुझे कहाँ पे जाना पड़ा, मुझे कैसे मोबाइल मिला, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखें, तो मैं इसमें बताऊंगा मुझे मोबाइल कैसे मिला। तो जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था, वो हुआ था 5 जून 2017 को। मैं दिल्ली मेट्रो में उतरा था और मैंने ऑटो लिया था। ऑटो लिया था मैंने न्यू अशोक नगर के लिए। तो न्यू अशोक नगर पे जैसे मैं ऑटो से उतरा तो मैंने क्या देखा, मेरे जेब में मेरा मोबाइल नहीं था। तो फिर उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन FIR कराई दिल्ली पुलिस की साइट पर जाके। मैंने रिपोर्ट में पूरा पूरा लिख दिया कि मैं एक ऑटो में बैठा मेट्रो से उतर के, फिर जब मैं ऑटो से उतरा तो मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं था। तो मैंने चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद अगले दिन मेरे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फोन आया, जिससे कि जो मेरी FIR दी गई थी। तो उसका फोन आया, तो उसने मुझसे पूछा कि कैसे मोबाइल मेरा चोरी हुआ। तो मैंने उसे पूरा बता दिया कि ऐसे मैं मेट्रो से उतरा, फिर मैंने ऑटो लिया, मैं ऑटो से उतरा तो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। ये फोन आ गया, तो ये फोन मेरा आया था 6 जून को मेरे पास। 5 जून को मोबाइल चोरी हुआ, 6 जून को मेरे पास फोन आया। इतना होने के बाद मेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया गया पुलिस के थ्रू, ना मैंने कोई पुलिस को कॉन्टेक्ट किया गया। हम लोग जानते हैं कि मोबाइल वगैरह चोरी जो भी होता है, कोई भी आइटम कभी मिलता ही नहीं है, पुलिस ढूंढ के नहीं देती है। और हम FIR भी दर्ज ज़्यादातर कराते नहीं, पर मैंने FIR दर्ज कराई क्योंकि तो कोई मेरे मोबाइल का मिसयूज ना करें। दोस्तों, मोबाइल चोरी होने के 8 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आया अनोन नंबर से, मेरे सिम पर। तो मैंने फ़ोन वो उठाया तो उधर से एक पुलिस ऑफिसर बात कर रहा था। वो मुझसे बोलते हैं कि आपका मोबाइल चोरी हुआ क्या, चोरी हुआ था क्या पहले कभी? तो मैंने बताया कि हाँ, मेरा मोबाइल चोरी हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपका मोबाइल मिल गया और थाने में है। मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपका मोबाइल मिलेगा। तो आया नहीं, मैं कॉल का इंतजार करते रहा। तो फिर मैंने उसी नंबर पर कॉल बैक करी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करी। तो मैंने पूछा वो कि मुझे मोबाइल कैसे मिलेगा। तो वो बोलता है अभी मैं बीमार हूँ, कुछ देर बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा तो मोबाइल मिलेगा। तो ऐसे ही गुजरते 10-15 दिन और निकल गए, पर फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन मिलाया अपनी तरफ से दोबारा, तो फिर ऑफिसर की तरफ से बुलाया कि आपका मोबाइल कोर्ट से मिलेगा। तो ये ऐसे टाइम गुजरते गुजरते मार्च आ गई, फरवरी में फ़ोन आया, 1 महीने ऐसे ही गुजर गया। कभी ऑफिसर बीमार हो जाता, कभी उसकी वो छुट्टी ले लेता। तो वाले ने बोला मुझे कोर्ट में जाना होगा। तो फिर मैंने उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि मुझे किस कोर्ट में जाना है, कैसे कहाँ जाना है। तो जब मैं कोर्ट में गया दिल्ली में, तो वहाँ मैं देखता हूँ, फिर वहाँ पे मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ। एप्लीकेशन का जो खर्चा था वो 2 रुपये था, 2 रुपये कोर्ट फीस लग रही थी। और एप्लीकेशन मैंने लिखवाई थी एक वकील से, वो 60 रुपये उसके लगे, तो 62 रुपीज़ मेरे खर्च हुए तकरीबन। एप्लीकेशन लगाने के अगले दिन की मुझे डेट दी गई मेरी सुनवाई की। तो सुनवाई में पुलिस ने रिपोर्ट लगाई नहीं, पुलिस को रिपोर्ट ये लगानी थी कि ये मेरा मोबाइल है, ये जब्त हुआ है किसी चोर पर। तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लगाई। तो अगले दिन फिर मुझे अगले दिन की तारीख मिल गई, तो अगले दिन पुलिस ने रिपोर्ट लगाई, फिर मुझे रिलीज ऑर्डर मिल गया अपने मोबाइल का। ये मैं आपको अपने मोबाइल का रिलीज ऑर्डर दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो रिलीज ऑर्डर है जो कि मुझे कोर्ट से मिला था। तो इस रिलीज ऑर्डर में पूरा लिखा हुआ है कि ये मोबाइल किस पे पकड़ा गया, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ, और लिखा हुआ है कि ये मोबाइल मुझे दे दिया जाए, कोर्ट की तरफ से ये लिखा हुआ है। ओके, रिलीज ऑर्डर के मिलने के बाद फिर उसी दिन मैं गया पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर थाने में। तो न्यू अशोक नगर थाने में जब मैं गया, तब भी मुझे अपना मोबाइल नहीं मिला, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसका ट्रांसफर हो गया था और कहीं। मेरी रिपोर्ट FIR थी वो दूसरे इंस्पेक्टर को ट्रांसफर कर दी गई थी, जो कि आया नहीं था। तो अगले दिन मुझे फिर जाना पड़ा पुलिस स्टेशन, फिर मुझे मेरा मोबाइल मिला। तो ऐसे करते करते पूरे 8 महीने बाद मेरा मोबाइल मेरे पास वापस आया। तो मैं बताता हूँ आपको टोटल खर्चा मेरा हो कितना गया। टोटल खर्चा मेरा हुआ करीबन 2,000 रुपये के आसपास, और कहीं तो उससे थोड़ा और ज़्यादा मेरे रुपए खर्च हो गए। कोर्ट में तो मेरे तकरीबन 200 रुपये ही खर्च हुए थे, उसके अलावा जो पैसे जो 1,800 रुपये खर्च हुए या 2,000 रुपये जो भी, वो मेरे ट्रैवलिंग में खर्च हुए, क्योंकि मुझे 2 बार कोर्ट जाना पड़ा क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लगाई। ऐसे ही मैं इधर उधर भागा दौड़ा, मेरे 2,000 रुपये करीबन खर्च हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि आपको जो भी चीज़ कभी भी खोए, आप FIR लिखाइए। ऑफिसर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और मैं जज को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे रिलीजिंग ऑर्डर दिया है मेरे मोबाइल के लिए। दोस्तों, हमारा सिस्टम में बहुत सारे जो करप्ट लोग भी हैं, और कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से हमारा सिस्टम आज तक चल रहा है। तो उन्हीं अच्छे लोगों की वजह से आज मेरा मोबाइल मुझे वापस मिले। मैं उन सब लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिनकी वजह से मेरा मोबाइल मुझे वापस मिला। जय हिंद, जय भारत।